चलिए नमस्कार प्रणाम। हम हई राउर भाई राउर दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल आ अभी हमनी के उपस्थित बनी जा सिवान में आ जहाँ एगो बड़ा शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर जी हमरा साथे उपस्थित बनी। शिक्षक के एगो बड़ा समस्या अभी सामने बा, ज्वलंत समस्या बा, जौना पर ब्रजवासी जी से भी बातचीत भई रहे कि जे प्राइमरी विद्यालय में बीएड कल शिक्षक बा ओकर पिछला 2018 के बाद ब्रिज कोर्स के आयोजन सरकार के द्वारा नहीं भेल, जैसे वो लोग के नौकरी पर स्थिति वो लोग के गड़बड़ बा, कब निकाल दिया जाए कोनो ठीक नहीं है, ये पर कार्य वो लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले चैनल के माध्यम से हम बता देवे के चाहते कि जितना लोग सेवा में आ गए उ सब लोग के संगे कोनो छेड़छाड़ ना हो। जानकारी खातिर नियमावली पर ही 1-5 में जे बी एड योग्यताधारी उभरा रोस्टर में रहे अंकित रहे कि उनकी बहाली ली जाए, वो 1-5 के लिए योग्य है। दूसरी तरफ आप योग्यता आपके पास थी, सरकार आपको बहाल की और किसी कारणवश आपके यहाँ कोई समस्या अगर आ रही है तो इसका निदान तो सरकार को खुद करना चाहिए। ब्रिज कोर्स पिछला 2018 के बाद अब तक आयोजित नहीं किया गया है, इसमें सरकार की घोर लापरवाही है। जितने प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न हुई है सबके जिम्मेवारी ड्यू टू सरकार है। सरकार नहीं चाह रही है कि ये योग्यताधारी या जो भी जितनी तरह की समस्या है प्रशिक्षण अगर समय से ना हुआ तो इसमें शिक्षक कहाँ दोषी है। सरकार अपनी ठिकरा शिक्षकों पर फोड़ना चाह रही है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और शिक्षकों से निवेदन करना चाहेंगे कि उन्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि बीएड योग्यताधारी के साथ ऐसे बर्ताव करे, ईट से ईट बच जाएगा। पूरे बिहार के शिक्षक इस मुद्दा पर एक साथ हैं। अभी एक बहुत बड़ा नाम, एक संघर्षशील शिक्षक नेता ब्रजवासी जी को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, इस राज्य के जो शीर्ष लोग हैं उनको आँख नहीं आँख रहते हुए अंधा है। संविधान के अनुच्छेद 19A(1) को आप पढ़िए, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी बात को गुंगी बहरी सरकार को, जो सरकार निरंकुश हो जाती है तो लेखनी के माध्यम से, कलम के माध्यम से, कवि कविता के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करती है। और ब्रजवासी जी के साथ ब्रजवासी जी को जो छेड़ने का प्रयास किया गया है यह सरासर गलत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस फाइल को अपना स्तर से दिखवाएं और ब्रजवासी जी जिस दिन न्यायालय में जाएंगे 100% उनको सफलता मिलेगी। यह 6 लाख शिक्षकों के साथ अन्याय है और ये तो अच्छी बात है आपने डिसमिस कर दिया। ब्रजवासी जी इस बार सदन में जाएंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। बिहार के 6 लाख शिक्षकों के मान सम्मान से, अस्मिता से जुड़ी हुई चीज है। ब्रजवासी हीरो है बिहार का और शिक्षा और शिक्षा जगत का हीरो है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। एक तरफ जहां बड़ा घोटाला बड़ा लूट है अब वो पर्दाफाश करते हैं तो उनको बर्खास्त किया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक देहात में कहावत है कि सांच बात सहदुलवा कहे सबका चित से उतरल रहे, यानी जो सच बात कहेगा उसको शासन प्रशासन के लोग दबाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं के लिए मैं कहना चाहूँगा दमहे कितने दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, हर बार लड़ाई जीते हैं इस बार लड़ाई जीतेंगे। ब्रजवासी जी इस बार शिक्षकों के लिए सदन में होंगे। चलिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जो बीएड जो शिक्षक हैं जो प्राइमरी में हैं वो निकाले नहीं जाएंगे, उन लोगों को निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। और बड़ा खेद व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा है कि ये सरकार ने अपना जो गबन का मामला है उसको छुपाने के लिए ब्रजवासी जी को बर्खास्त किया है। और भी कुछ शिक्षक हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ के शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे महेश प्रभात जी? अभी जो बर्खास्तगी हुई है बंशीधर ब्रजवासी जी की, इस पे क्या कहना चाहते हैं? ब्रजवासी जी की बर्खास्तगी न्याय संगत नहीं है। इस सरकार में यदि कहीं घोटाला हुआ है उसका कोई शिक्षक या शिक्षक संगठन के नेता यदि उसका उजागर करते हैं तो सरकार को सम्मान करना चाहिए और जो अधिकारी इस कार्य में संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि शिक्षक पे करना चाहिए। यह अन्याय हुआ है ब्रजवासी जी के साथ।
और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं। समरेंद्र जी से एक और बात, अहम बात चलते चलते हम लोग किए करेंगे कि अभी एक मुद्दा सामने आया हुआ है कि मोबाइल से बिना मोबाइल दिए, बिना रिचार्ज दिए, बिना संसाधन दिए, हाई कोर्ट का एक तरफ आदेश है कि बिना संसाधन दिए कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता है, उसके बावजूद सरकार ने बिना संसाधन दिए, बिना मोबाइल दिए, बिना रिचार्ज दिए एक नियम लागू कर दिया है कि सबको ऑनलाइन 9 बजे इन कर जाना है और 4:30 बजे आउट करना है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर स्पष्ट मेरा कहना है व्यक्तिगत रूप से कि शिक्षक सदैव तप के और जिस तरह एक कुम्हार अमूर्त मिट्टी को एकत्रित करने का काम करता है और एक सुंदर घड़ा का निर्माण करता है, जरूरत पड़ने पर अंदर से हाथ का सहारा देता है, बाहर से तपाने का काम करता है, ठीक उसी तरह राष्ट्र निर्माता शिक्षक उस बच्चे को, अमूर्त बच्चे को एक आकार देने का काम करता है। आप शिक्षक को पहले चोर कहना बंद कीजिए। जिस राज्य का राजा शिक्षक को चोर कहता है, यह शर्म की बात है। दूसरी तरफ आप 9 बजे ना 8 बजे बुला लीजिए, शिक्षक उसमें कहीं भयभीत नहीं है। संसाधन नहीं दिया, संसाधन नहीं दिया गया है। का रोना इसलिए नहीं रोने रोएंगे कि आपको यह कहीं ना कहीं से समाज में मैसेज देना था कि शिक्षक समय से विद्यालय नहीं आते हैं। अच्छा। और इसको प्रयोग किए हुए लगभग 1 माह हो गया, अब तो आप देख लिए कि 100 में 100 शिक्षक हमारा समय उपलब्ध रहता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिना मोबाइल दिए अगर हाजिरी बनवाया जा रहा है तो बिना हेलीकॉप्टर दिए कहा जा सकता है कि आप हेलीकॉप्टर चलाइए। जी, वैसे साथियों से निवेदन होगा कि आप मैनुअल हाजिरी बनाइए, कहीं कुछ होगा तो पूरे बिहार के शिक्षकों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार पटना की धरती पर चला जाए। जिस तरह उत्तर प्रदेश में इसका विरोध हुआ, बिहार के शिक्षक भी इसका विरोध करेंगे। यहाँ यूपी में अभी सरकार ने इस नियम को वापस ले लिया और बिहार के शिक्षक जो कहा जा रहा है उस नियम को मान रहे हैं, इसको इस पे क्या कहते हैं? इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी लोग हमारे भाई हैं। हम निवेदन करेंगे कि कहीं से कोई कठिनाई है, हालांकि मानसिक रूप से शिक्षक प्रताड़ित है बहुत ज्यादा। 8 बजे सुबह में घर छोड़ता है, 7 बजे दूरी के हिसाब से, और जब उनका अटेंडेंस नहीं बनता तो उनको लगता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, उस दिन का मेरा वेतन कट जाएगा। बहुत बहुत लोगों का स्थिति है, बहुत लोगों का वीडियो है कि लैट्रिन पे चढ़ के, पेड़ पे चढ़ के अटेंडेंस। मैं इसका निंदा करता हूँ, जितना निंदा किया जाए कम है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा कि इसको एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है, राष्ट्र निर्माता शिक्षक पर विश्वास करने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिले हैं समरेंद्र जी से, तमाम शिक्षक संघ के लोग यहाँ उपस्थित हैं।